नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस फॉर एस एस सी में। दोस्तों आज का ये वीडियो है ग्लिट्समैन पुरस्कार से संबंधित, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा मलाला यूसुफ जई को, ठीक है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे कम आयु की व्यक्ति है मलाला यूसुफ जई। इन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ग्लिट्समैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और यह पुरस्कार उन्हें 6 दिसंबर 2018 को प्रदान किया जाएगा। ग्लिट्समैन पुरस्कार जो है दुनिया भर में जीवन की गुणवत्ता में सुधार की में सक्रियता के लिए दिया जाता है और इसके अंतर्गत 1,25,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है, ठीक है, 1,25,000 अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। और दोस्तों ये था ग्लिट्समैन पुरस्कार। और हम जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार कब मिला था मलाला यूसुफजई को। देखिए वर्ष 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मलाला यूसुफजई जो है सबसे कम आयु की व्यक्ति है, सबसे कम आयु की व्यक्ति है मलाला यूसुफजई। और मलाला जो है ये पाकिस्तान की है, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो छोटा सा था लेकिन इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।